हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हम लोग की ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी हम लोग किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। आपने डायमंड का नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन डायमंड करके एक स्ट्रैटेजी आती है जो ऑप्शन में भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप ऑप्शन में या फिर सेंसिबल में किसी भी ऑप्शन बिल्डर में जाओगे तो आपको वो स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं उस स्ट्रैटेजी को बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। नवंबर का पीएनएल भी मैंने आपको दिखाया है, अभी दिसंबर का भी पीएनएल अभी चल रहा है। ठीक है, दिसंबर मंथ में हम लोग जो है वो आज इतने हम लोग प्रॉफिट में क्लोज किए हैं, 9600 के प्रॉफिट में क्लोज किया है। और ये जो है वो हफ्ते का मतलब थर्सडे के दिन डाला था, आज मंडे के दिन मैंने इतना प्रॉफिट इसमें बुक किया है। ठीक है, अभी जो न्यू पोजिशन डाला है मेरा, जो रूल है 3% इन अ वीक। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग से आप 3% इन अ वीक आराम से निकाल सकते हो। जिस भी टाइम पे आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से डालना है, वो हम लोग जो है आगे इस वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करना है, कितने कैपिटल में होगा, कितना होगा, ये सब कुछ पता चलेगा इन डिटेल में हम लोग आज देखने वाले। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट था, ये सारे ही पोजिशन आप देख पा रहे होंगे मैं क्लोज कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से लेकर ये पोजीशन सारी हम लोग क्लोज कर चुके हैं 9600 के प्रॉफिट में, मतलब 9300 का ये प्रॉफिट है अप्रोक्सीमेटली, ये क्लोज कर चुके हैं। वीक अभी स्टार्ट ही हुआ है, आज मंडे है आपका और थर्सडे के दिन आपकी एक्सपायरी होने वाली। लास्ट थर्सडे ये डाला था, मंडे के दिन 9000 का प्रॉफिट ये बुक किया है। अभी मुझे सिर्फ 1% प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि 2% का प्रॉफिट मैं अपने कैपिटल के ऊपर कर चुका हूँ। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी से अभी मैंने फिर से जो है वो डायमंड अप्लाई किया हुआ है मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि मुझे मार्केट जो है वो स्टिल 21,000 के पास जो है वो साइडवेज लग रहा है। पहले हमने 20,950 का स्ट्रैडल बनाया था। ठीक है, और उसके बाद में अभी जो है वो 21,000 का आप देख पा रहे होंगे, 21,000 का मैंने स्ट्रैडल बनाया है। डायमंड किस तरीके से बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो अभी ये जो मैं बुक करूंगा, ये हो सकता है कल बुक कर लूँ या फिर परसों बुक कर लूँ, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ इसमें से 1% चाहिए। 2% ऑलरेडी है, 1% और इसमें से मिल जाएगा। हफ्ते भर का हमारा 3%, 3.5% के आसपास का टारगेट है, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये डालते किस तरीके से हम लोग जाते हैं हमारे ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, ये वेरीफाइड पीएनएल भी मैं आपके लिए अभी शेयर कर दे रहा हूँ, आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ये भी देख लो, अभी रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि फेक पीएनएल है, ये एडिटिंग किया हुआ है। नहीं, ये मेरा अकाउंट है, आप देख सकते हो। ठीक है, मेरा अकाउंट है और ये वेरीफाइड पीएनएल भी हम लोग जो है वो दे देते हैं। ये पूरा वेरीफाइड पीएनएल ट्विटर पर पब्लिश हम लोग कर देते हैं। तो ट्विटर हैंडल का अगर लिंक चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ट्विटर हैंडल का लिंक मिलेगा, फॉलो कर लीजिए। तो मैं कितना प्रॉफिट कितना लॉस ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ, एक ट्रेडर जो होता है, ऑप्शन सेलर जो होता है, वो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस कर सकता है, ये आप सीख सकते हो वहां से देख करके, है ना। तो ट्विटर हैंडल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको कर लो। चलो, हम लोग अभी स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हैं। ये हम लोगों ने डाल दिया। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को किसी भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर को ओपन कर लेना है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर को हम लोगों ने जब ओपन कर लिया, ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर में हम लोगों को क्या क्या चीजें देखनी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रैटेजी बिल्डर है वो जब तक ओपन नहीं होता तब तक, चलो ये हो गया ओपन। अब ये इस तरीके से आपके सामने स्ट्रैटेजी बिल्डर का ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। ठीक है, कब अप्लाई करनी है, क्या देखकर अप्लाई करनी है, ये अभी हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर से देखेंगे। ठीक है, तो एलटीपी कैलकुलेटर में हम लोग आ जाने के बाद यहाँ पर हम लोगों को सिनारियो किस तरीके का चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन वाला सिनारियो चाहिए, जहां पर हम लोगों को ये दिखाई दे कि रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप है, ये वाला कंफ्यूजन वाला सिनारियो है। या फिर ऐसा चाहिए कि रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप है, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम है, ये वाला सिनारियो चाहिए। ठीक है, तीसरा एक सिनारियो, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग बन चुके, ठीक है, इस तरीके का सिनारियो चाहिए, जैसे अभी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को इस तरीके का सिनारियो देखना होगा, या फिर आप ओपन इंटरेस्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का जो कैंडल है वो भी आप देख सकते हो। अब जैसे मैंने थर्सडे के दिन, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्लियर करके,
हम लोग ओपन इंटरेस्ट में चले जाते हैं। अभी देखो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हम लोगों को जो है वो कैंडल्स में दिखाई देगा। एलटीपी कैलकुलेटर से भी आप लोग निकाल सकते हो। ओपन इंटरेस्ट जो होगा ना वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर दिख रहा है वो आपकी रेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को 21,000 पर ऊपर ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। और ये जो ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है वो 20,900 पर ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। मतलब आपकी रेंज क्या हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 2100 से लेकर 20,900 तक की आपकी रेंज हो जानी चाहिए। तो इसके बीच में कौन सी स्ट्राइक प्राइस आती है, इसके बीच में आता है 20,950। इसीलिए मैंने 20,950 का स्ट्रैडल बनाया था। आप लोग देख पाओगे यहाँ पर, अगर आप देखोगे 20,950 का कॉल और 20,950 का मैंने कॉल और पुट यहाँ पर सेल किया है, जिसमें कि बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया, 2,000 यहाँ पर प्रॉफिट बनाया, ये वाला आउट ऑफ द मनी सेल किया था। तो कंप्लीट इस तरीके से वो स्ट्रैटेजी बनती है। तो ओपन इंटरेस्ट में जाकर भी आप जो है वो देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पर हम लोगों को और ओपन इंटरेस्ट में क्या दिख रहा है, तो सबसे हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट वो 21,000 पर निफ्टी का हम लोगों को दिखाई दे रहा है। सेकंड हाईएस्ट 20,900 पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यही सेम चीज आपको एलटीपी कैलकुलेटर में भी दिखती है। अब वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम हमारा क्या हो चुका है, 21,000 पर जो है वो स्ट्रांग हो चुका है। इसका मतलब क्या, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ये मार्केट नीचे आएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ये मार्केट क्या करेगा, बाउंस करेगा। तो 960 का हम लोगों को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। तो हम लोग जो है यहाँ पर नडारिया वाटसन का अभी हमें काम नहीं है, ये भी एक अलग सेटअप है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो इसके अकॉर्डिंग आज कहाँ पर मार्केट था, पूरा दिन मार्केट देखो या इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा, ठीक है, कहीं नहीं गया मार्केट, इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा और हम लोगों को जो है वो प्रॉफिट बन गया, ठीक है। तो इसे हम लोग जो है वो मार्क कर लेते हैं। तो 21,010 पे हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। और नीचे का जो सपोर्ट हम लोगों को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ पर है, 960 पर है, ठीक है, 20,960 पर। तो ये क्या रेंज है, ये बहुत नैरो रेंज है। और आप देखो पूरा दिन मार्केट इसी रेंज में बना रहा। तो अभी इसमें से अगर सिनारियो चेंज होगा, कोई भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट वीक टूअर्स बॉटम या फिर वीक टूअर्स टॉप होगा, तो मार्केट उस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगा, उस डायरेक्शन में ज्यादा जाने की कोशिश करेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो है ये रेजिस्टेंस वीक टूअर्स टॉप बन गया, 21,100 तक वीक टूअर्स टॉप बन गया, यहाँ पर कहीं पर येल्लो कलर बना, यहाँ पर अगर येल्लो कलर बनता हुआ दिखा तो इसका मतलब ये मार्केट जो है वो अभी 21,000 का जो है वो सपोर्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है। इसका मतलब ये 20,950 के नीचे जाना नहीं, जाने नहीं वाला, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के नीचे जाएगा नहीं। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल की बाइंग करनी पड़ेगी टिल 21,100 तक। अब हमारी स्ट्रैटेजी किस तरीके से हम लोग इसमें बिल्ड कर सकते हैं, हमारे पास जो एज है 20,050 का और नीचे 20,900 या फिर 950 का, तो हम लोग बीच का रास्ता निकालेंगे। बीच का रास्ता हमारा 21,000 आ गया। तो सिंपल हम लोगों को क्या करना है, 21,000 का स्टैडल क्रिएट करना है। पहले हम लोग वही काम करेंगे स्टैडल बनाने, ठीक है। तो स्टैडल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 20,000 का जो है, 21,000 का कॉल और पुट क्या कर दिया, सिंपल सेल कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आउट ऑफ द मनी 40 से 50 रुपए के रेंज में जो भी कॉल पुट होंगे आउट ऑफ द मनी, उनको सेल कर देना है। तो हम लोगों को 45 रुपीज का यहाँ पर मिल रहा है, ये जब मैंने सेल किया था 48 चल रहा था, मैं जल्दी नहीं कर पाया मैंने क्योंकि कॉल सेल कर दिया था। और ये जो कॉल है वो 53-54 रुपीज में मैंने सेल किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे, सिंपल कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट को हम लोग क्या कर दिए, सेल कर दिए। लॉट साइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं जो लॉट साइज यूज करता हूँ वो जनरली 5 से 6 लॉट के अंदर मैं काम करता हूँ, तो मेरा मैक्सिमम 6 लॉट और 5 लॉट के अंदर में ये काम होता है, ठीक है ना। तो इतना मैं लॉट साइज यहाँ पर रख रहा हूँ। तो हम लोग पे ऑफ चार्ट में देखेंगे कि कितना हमारा प्रोबेबिलिटी है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लोगों को मेंटेन करना है, ब्रेक इवन क्या है, कितना कैपिटल लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, हाँ हो गया, चलो अभी ये दिखा रहा है कि कितना हम लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो ब्रेक इवन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लॉस कब स्टार्ट होगा हम लोगों को यहाँ से, ठीक है ना। तो एक दिन बीत जाने के बाद लॉस कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये वाली आपकी रेंज है जहाँ से आपको लॉस स्टार्ट होगा। पर ब्रेक इवन जो इसका दिख रहा है हम लोगों को करीब करीब 0.9% का ब्रेक इवन, 90% का ब्रेक इवन दिख रहा है, ठीक है। करीब करीब 1% के ऊपर और नीचे हम लोग सिक्योर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है,
59%, अभी ये इतना नहीं है, ठीक है, एक दिन हम लोग आगे चले गए, तो अभी का हम लोगों का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं इस वाले पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, तो कल हम लोगों का जब डे एंडिंग होगा तो हम लोगों को 59% का यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। अभी हम लोगों ने जब डाला है इस स्ट्रैटेजी को तो हम लोगों को सेम उतना ही दिख रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 59% मतलब करीब करीब 60% आपका ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो वेनसडे के दिन जब हम जाएंगे तो वो भी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट उतना हो जाएगा, मतलब उतना बढ़ जाएगा। तो देखते हैं हम लोगों को कितना प्रॉफिट यहाँ पर, ये बार बार सेंसिबल का कोई ग्लिच आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके वजह से हम लोगों को, अगर आप प्रोजेक्टेड प्रॉफिट देखें तो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट करीब करीब हम लोगों को 15,000 रुपये चाहिए, ठीक है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, मैं मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 5,000 से लेकर 6,000 का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट टू कि नहीं 1% के करीब करीब मेरे डिप्लॉयड कैपिटल में। तो ये मुझे कब मिल रहा है, ये मुझे कल ही मिल जाएगा शायद, ठीक है, मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब इसमें इंडिया विक्स का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, तो हाई इंडिया विक्स पर हम लोग जो है वो इसको सेल करेंगे। तो इंडिया विक्स कितना चाहिए, 12 के ऊपर 13 के आसपास का इंडिया विक्स, 12 13 के आसपास का इंडिया विक्स चाहिए। अब इसका नाम मैंने क्यों रखा डायमंड, ठीक है, इसका नामकरण भी हमारे कम्युनिटी बैचेस में हुआ है, और अगर आप कम्युनिटी बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, तो उस पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करके उस पर ही पेमेंट करके, 2500 का पेमेंट है, 2,500 रुपये का, उस पर ही फोन पे गूगल पे करके आप जो है वो कम्युनिटी बैच नेक्स्ट मंथ का वो ज्वाइन कर सकते हो, और ये सब कुछ मेरे साथ सीख सकते हो, मेरे साथ आप लोग जो है वो लर्निंग करके फिर आपको अप्लाई करना है अर्निंग का, ठीक है। तो ये दिखता है डायमंड की तरह, डायमंड शेप की तरह दिखता है ये कुछ कुछ, इसीलिए इसका नाम जो है वो डायमंड हम लोगों ने कम्युनिटी बैचेस में सबने मिल करके रखा है मेरे स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये करीब करीब मुझे कितना प्रॉफिट देगा, आज अपना मंडे है, ट्यूसडे के दिन मतलब कल के दिन, ठीक है ना, कल के दिन ये कितना प्रॉफिट दिखा रहा है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम पास हो रहा है हमारा, तो हम लोग एनालाइजर में चले जाते हैं, मैक्सिमम इसमें कितना प्रॉफिट होगा उतना ही हम लोग देख लेंगे और हमारा दैट्स इट। तो बना कैसे ये चीज भी हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपल आप लोग क्या करोगे कि एलटीपी कैलकुलेटर में जाना है, जिस भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, सपोज यहाँ पर हम लोगों का सपोर्ट होता, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का सपोर्ट होता, ये वाला तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, मतलब 21,000 का रेजिस्टेंस और 20,850 का सपोर्ट बन रहा है, तो इसके बीच में कौन सा आ रहा है वो हम लोग निकालेंगे। तो इसके बीच में दो स्ट्राइक प्राइसेस आ रहे हैं, 20,900, 20,950। अब दोनों में से किसका प्रीमियम सेम चल रहा है, ठीक है ना, दोनों में से किसका, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप देखें एट द मनी कहाँ पर है, 2100 पर, यहाँ पर देखो 9582, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, इस तरीके का डिफरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब 950 में हम लोगों को समझ में आता है कि ये डिफरेंस है, ये होना ही होगा, ठीक है, पर ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें दिख रहा है हम लोगों को, है ना। तो जब ये कंफ्यूजन रहे कि दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में हम लोगों को आ रहा है, तो वो स्ट्राइक प्राइस चुनना जिसका मतलब जहां पर हम लोगों को सेम प्रीमियम मिल रहा होगा। लेट से हम लोगों को 20,900 पे वो प्रीमियम नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो प्रीमियम 20,950 पे मिल रहा है, तो 20,950 का डालो, भले हम लोग 50 पॉइंट नीचे है अभी मार्केट, वो चला जाएगा दूसरे दिन, ठीक है ना। तो यही होता है, तो वहां का हम लोगों को जहाँ का प्रीमियम सेम मिल रहा होगा, लेट से 80-80 रुपीज हम लोगों को मिल रहा होगा, यहाँ का और इस वाले प्रीमियम में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो हम लोगों को ये नहीं डालना है, हम लोगों को जिसका प्रीमियम सेम होगा, नियर अबाउट होगा, 80-85 के आसपास होगा, वो प्रीमियम हम लोगों को सेल कर देना है। मतलब अप्रोक्सीमेट 80-85 पकड़ के मत चलना, 100-100 रुपये भी हो सकता है, 110 रुपये भी हो सकता है, पर नियर अबाउट दोनों के प्रीमियम कॉल और पुट के सेम चाहिए, ठीक है। वैसे ही आउट ऑफ द मनी जब सेल करोगे कॉल और पुट, उसका प्रीमियम भी नियर अबाउट चाहिए, 4-5 रुपए का डिफरेंस समझ में आता है, पर ज्यादा डिफरेंस होगा 20-25 रुपए का, तो वो हम लोगों को सेल नहीं करना, क्योंकि वो फिर फिगर एडजस्ट हमारी नहीं होगी। कुछ तो यहाँ पर हो रहा है प्रॉब्लम सेंसिबल के साथ, हम लोगों को पता नहीं कि ये, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर जो है वो दिख रहा है कि कितना प्रॉफिट हम लोगों को मिल सकता है। तो अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर
डेफिनेटली ट्यूसडे की बात करेंगे। ट्यूसडे का एक बार लोड हो जाए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे मैक्सिमम ट्यूसडे के दिन कितना इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर देखें इंडिया वीक्स कहाँ पर है, देखो इंडिया वीक्स अभी करीब करीब 12 के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है ना। ये सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट था इसका, यहाँ पर अगर आप आज बनाते थे मॉर्निंग में तो आपको बहुत अच्छा इसमें क्या हो चुका होता, डीके मिल चुका होता। अभी देखो मैंने भी एक पोजिशन डाल करके प्रॉफिट बुक किया था, तो वो पोजीशन कितना अभी एग्जिट करने के बाद 1300 रुपये लॉस। एक बार को मैंने 1800 रुपये इसमें लॉस देखा था। ये लॉस मतलब क्या, ये लॉस मतलब यहाँ पर प्रॉफिट में ऐड होता, ठीक है। ये लॉस मतलब यहाँ पर प्रॉफिट में ऐड होता, तो मतलब इसमें 10,000 के ऊपर का ही प्रॉफिट था मुझे। क्यों था मुझे ये प्रॉफिट, आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। यहाँ से वो इंडिया वीक जो है वो गिरना स्टार्ट किया, ठीक है। पहले ऊपर गया, ऊपर से गिरना स्टार्ट किया। अगर आपको इस पीक पर इंडिया वीक्स दिख जाता है तो आप लोग जो है वो उसी समय पर क्या करना, आपको ऑप्शन सेलिंग की जो भी डायमंड या फिर आप डायगोनल जो भी यूज करते हो स्ट्रैटेजी वो करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या क्या सिनारियो देखने, ओपन इंटरेस्ट देखना है पहले तो, या फिर आपको वॉल्यूम देखना है। एक ही जगह पर होगा तो ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस से ऊपर नीचे करता रहेगा और डीके का प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। तीसरी बात, इंडिया वीक्स आप लोगों को देखना है कि हाईएस्ट इंडिया वीक्स पे आप लोग क्या करो, सेल करने की कोशिश करो। तो इंडिया वीक्स गिरेगा तो आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा, क्योंकि जितना इंडिया वीक्स नीचे जाएगा उतना प्रीमियम डीके जल्दी होगा, ठीक है। जितना इंडिया वीक्स ऊपर जाता जाएगा उतना प्रीमियम डीके कम होगा, उतना प्रीमियम बढ़ेगा, उल्टा आपका लॉस होने के चांसेस वहां पर होते हैं। तो हाईएस्ट इंडिया वीक्स पर ऑप्शन सेलिंग हमेशा करना चाहिए। तो डायमंड आप लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से बनाना है। सिंपल, आपको कोई भी करंट एक्सपायरी चॉइस कर लेनी है, करंट एक्सपायरी क्या है, एट द मनी का कॉल और पुट सिंपल आपको सेल कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर सेल कर दिया, एट द मनी का कॉल और पुट हम लोगों ने यहाँ पर सेल कर दिया, ठीक है, दैट्स इट। हम लोगों को आउट ऑफ द मनी जाना है 45 टू 50 रुपीज के नियर अबाउट। हम लोगों यहाँ पर पुट का प्रीमियम कम मिल रहा है इसलिए मैं कॉल का सेल कर रहा हूँ, तो कॉल का प्रीमियम हम लोगों को यहाँ पर सेल कर दिया। अब इसका शेप जो है ना वो डायमंड की तरह दिखाई देना चाहिए, नहीं तो आप कुछ भी अगर सेल कर दोगे, ठीक है। तो ये लाइन बिल्कुल हमारी सेंटर में आ रही है, क्योंकि मार्केट भी अभी यही क्लोज किया है और यही पर हम लोगों को हाईएस्ट प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। अब ये डॉटेड ब्लू लाइन जैसे ही इसके ऊपर चले जाएगी आप कंप्लीट प्रॉफिट में आ जाओगे। हाईएस्ट प्रॉफिट इसमें होगा एक लॉट के अंदर 13,000 रुपये का। आप सोचो हाईएस्ट प्रॉफिट 13,000 का यहाँ पर होने लगा है, ठीक है ना। तो आप अगर इसमें समझो कि आपके पास 5-6 लाख रुपये के आसपास का डिसेंट एक कैपिटल है, तो आप इसमें कितना अर्न कर सकते हो मैं आपको अंदाजे से बता देता हूँ, ठीक है। आप इसमें कितना अर्न कर सकते हो, आराम से 10 से 15 हज़ार रुपये आप इसमें बना सकते हो इस वाली स्ट्रैटेजी में। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त तरीके से ये काम करती है। मैंने इसमें आज प्रॉफिट क्यों बुक किया, क्योंकि प्रीमियम डीके ऑलरेडी हो चुके थे। आप यहाँ पर देखो मैंने जो आउट ऑफ द मनी सेल किया था, असली पैसा जो है ना वो आउट ऑफ द मनी में है, ठीक है। ये प्रीमियम में पैसा मिल चुका है, ये प्रीमियम में पैसा मिल चुका है, इसमें पैसा मिल चुका है, ये डीके हो चुके हैं। ये मैंने करीब करीब 40-50 रुपये के आसपास बेचे थे, इसमें डीके हो चुका है। ये भी करीब करीब 100 रुपये के आसपास बेचा था, इसमें 40 रुपये ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये भी 130 में बेचा था, इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल चुका है ना। ये भी हम लोगों ने 40 से ये भी करीब करीब 50 रुपये के आसपास बेचा था, ये 30-40 रुपये का बेचा था, इसमें डीके मिल चुका। तो ये डीके मिल जाने के बाद में हमारा कोई काम नहीं, हम लोगों को निकल जाना है। फिर मैंने क्या किया, अभी भी देखो कितना प्रीमियम मैंने सेल किया है, 92 रुपीज 86 रुपीज। अभी इसमें डीके कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 54 रुपीज, यहाँ पर 44 रुपीज मैंने सेल किया है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये करीब करीब 30 रुपये के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी ये 30 रुपये के नीचे आ जाएंगे। इन दोनों में भी 20-20 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं डीके हो जाएगा, या फिर एक में बहुत ज्यादा 30-40 रुपये के ऊपर का डीके हो जाएगा, एक जो है वो उसमें 10-12 रुपये हम लोगों को मिल गए बहुत, ठीक है। इस तरीके से डीके हो जाने के बाद में इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अब देखो इतना आप लोगों को 5 लॉट के अंदर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सपायरी तक 68,000 का प्रॉफिट यहाँ पर दिखा रहा है। 68,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आप अगर सोचो 68,000 मतलब क्या हो गया इन अ वीक, ठीक है। इतना मैक्सिमम हो सकता है, पर हम लोगों को जो है वो परसेंटेज के हिसाब से सोचना है। अगर आप वीकली 3% भी आप बना रहे हो, ठीक है, फिर भी आप साल का भी पकड़ लो, या फिर 10 महीने प्रॉफिट का पकड़ लो,
ठीक है, उसमें से लॉस प्रॉफिट निकाल कर भी अगर आप 3% का प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो विद इन अ ईयर आप अपना कैपिटल जो है वो डबल कर लो। ठीक है, मतलब जैसे आपका कैपिटल अगर समझ लो कि 2 लाख का है, ठीक है, 1 लाख के नीचे इसमें काम नहीं करना है, 2 लॉट के ऊपर ही इसमें काम करना है, तो वो 2-2.5 लाख रुपए इसमें लगने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि डिसेंट कैपिटल जो होता है ना, वो 5 लाख से लेकर 3 लाख के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है ना, 5 लाख, 5.5 लाख और 3 लाख के ऊपर ही कैपिटल होना चाहिए। 3 लाख के नीचे कैपिटल आप लोगों को इसमें डिप्लॉय नहीं करना है, क्योंकि एक एक लॉट में बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा आपको और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। देखो अभी क्या है, हम लोगों को 15,000 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कल ही दिखा रहा है, ठीक है ना, तो कल भी अगर आराम से हम लोगों को 7 से 8 हज़ार रुपये मिल गए तो और क्या चाहिए। 17,000 रुपये आपका वीक में बन रहा है, ठीक है, 17,000 रुपये आपका वीक में बन रहा है तो आप कर लो। लॉसेस कितना लेना है वो भी इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रैटेजी में। आपको जिस भी टाइम पर, मतलब जिस दिन डाला है, डालना तो आपको मतलब थर्सडे के दिन एंडिंग में, या फिर मंडे के दिन प्रॉफिट बुक किया उसका तो एंडिंग में आप लोगों को डालना है। जिस भी टाइम ये स्ट्रैटेजी आपको 3,000 का लॉस देगी, कितने लॉट साइज में, 5 के लॉट साइज में, ठीक है ना, 250 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी हर एक का डाला है, ठीक है, आप समझ के तो चलो कि 5 लाख के कैपिटल में अगर आपको 3,000 का ये लॉस दिखा रहा है तो आपको वो स्टॉप लॉस बुक कर लेना है, लॉस बुक कर लेना है। 3,000 के ऊपर लॉस को जाने नहीं देना है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं, तो आपको वो जो लॉस है वो बुक कर लेना पड़ेगा। और प्रॉफिट कितना बुक करोगे, फर्स्ट अगर आपने थर्सडे के दिन डाला है, मंडे के दिन आपको 9 से 10 हज़ार का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, वो बुक कर लेना है। मंडे को जो मिल रहा होगा वो बुक कर लो, ठीक है। आपका अगर साइडवेज ही मार्केट रहा तो इतना प्रॉफिट आपको आराम से मिल जाएगा, और अगर मार्केट थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग भी हो गया तो कम से कम आपको 5,000 रुपये इसमें बुक कर लेने, 5K इसमें बुक कर लेने, अच्छा मार्केट रहा तो 9K बुक करने। फिर और आपको मंडे के दिन एंडिंग में डालना है, बिल्कुल मार्केट क्लोजिंग के 5 मिनट पहले आपको एंडिंग में डालना है। उसको कब निकालोगे, ट्यूजडे वेनसडे इसमें से निकाल लेना, ठीक है। तो अगर 5-5 हज़ार रुपये करके भी बने तो भी आपके वीक के 2% बने, नहीं भी कैपिटल डबल हुआ तो भी चलेगा हम लोगों को। मतलब ये मैं 3-3.5% आप करके देखना 10-12 महीने के अंदर कैलकुलेशन में, आपको 150%, 140% का रिटर्न मिलेगा। और 2% के हिसाब से भी आप आराम से करते रहे, ये 5-5 हज़ार रुपये भी, दो एक हफ्ते में 10 हज़ार रुपये भी 5 लाख के कैपिटल पे बुक कर रहे हो 2% का, फिर भी आप कैलकुलेशन करके देखना 80-70-80-90% का आराम से साल में प्रॉफिट आप बना रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है एलटीपी कैलकुलेटर का यूज करके या फिर सेंसिबल का यूज करके, ठीक है। और कम्युनिटी बैचेस करने के लिए ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस जो है वो मिलते रहे। थैंक यू सो मच।